रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं ने राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को रंजन गोगोई के लिए इनाम बताया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि क्या यह इनाम है, लोक न्यायाधीशों की स्वतंत्रता पर यकीन कैसे करेंगे, कई सवाल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंधवी ने लिखा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मेरे हक में वैचारिक फैसला दो मैं तुम्हें राज्यसभा में सीट दूंगा। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने किसी मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामित किया हो। दुनिया में 6000 से ज्यादा लोगों को बेमौत मारने वाले कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर रोज देश में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 12 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हो गई है। अब तक देश भर में 126 मामले सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र से एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है। कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुंबई, नवी मुंबई और यवतमाल में कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आने के बाद ही महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव केस 39 तक पहुंच गए हैं। मुंबई पुलिस धारा 144 लागू कर चुकी है, जबकि ग्रुप टूर पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट कब होगा, इसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में मिल सकता है। बीजेपी की फ्लोर टेस्ट की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी की उम्मीद है कि कर्नाटक की कहानी मध्य प्रदेश में दोहराई जाएगी। इधर राज्यपाल लालजी टंडन ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को 17 मार्च यानी आज फ्लोर टेस्ट करवाने को कहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला राजभवन पहुँच गया। राज्यपाल से मिलने के बाद कमलनाथ बाहर आए और कहा कि हमारे पास बहुमत है, मुझे फ्लोर टेस्ट क्यों करना है। 16 विधायक सामने आए। दुनिया भर के देशों के लिए मुसीबत बन चुका कोरोना वायरस से 7000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के 160 से ज्यादा देशों में लोग कोरोना से संक्रमित हैं। विश्व में कुल 182,547 लोग कोरोना की चपेट में हैं। भारत में कोरोना के 126 मामले सामने आए हैं। वहीं इटली में एक दिन में 349 लोगों की जान चली गई है। कोरोना वायरस से इटली के बाद स्पेन यूरोप का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। स्पेन में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 1000 नए मामले सामने आए हैं। येस बैंक मामले में पूर्व संस्थापक राणा कपूर के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उन लोगों का समन जारी किया है जिन्होंने बैंक से बड़ी रकम कर्ज के तौर पर ली थी और फिर वो लोग लोन चुकाने में असफल रहे, जिसमें बैंक को बड़ा नुकसान हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने कुल 18 समन जारी किए हैं जिन पर येस बैंक का बकाया। इन सभी को प्रवर्तन निदेशालय ने 17 मार्च से 21 मार्च तक जाँच में शामिल होने के लिए बुलाया है। जिन खाता धारकों को अब समन जारी किया गया है, इसमें रिलायंस ग्रुप के CEO अनिल अंबानी, जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल, एसएल ग्रुप के सुभाष चंद्रा, DHFL के वाधवान, इंडिया बुल्स के प्रमोटर समीर गहलोत और गौतम थापर के नाम शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के मद्देनजर 50 से अधिक लोगों के एक जगह पर एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। लेकिन शाहीन बाग की महिलाओं का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यहां से नहीं उठेंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर कोई नियम तोड़ता है तो SDM और DM उचित कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं दिल्ली के CM ने कहा कि दिल्ली में 31 मार्च तक 50 से अधिक की संख्या वाले धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, राजनीतिक बैठकों पर रोक लगेगी, जबकि प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहां से नहीं उठेंगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना वायरस को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत में चीन के राजदूत सुन वेदोंग के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। परिवादी सुधीर ओझा ने यह आरोप लगाया है कि चीन के चलते पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई 11 अप्रैल को होनी है। कांग्रेस में उपजे राजनीतिक संकट से निपटने के लिए मंगलवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता रणनीति बनाएंगे। पार्टी की रणनीति के तहत गुजरात के अधिकांश कांग्रेस विधायकों को जयपुर शिफ्ट किया जा चुका है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक रजनी पाटिल और BK हरिप्रसाद भी 17 मार्च को जयपुर पहुंचते हैं। दोनों पर्यवेक्षक जयपुर में शिव विलास रिजॉर्ट में ठहरे गुजरात कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। वरिष्ठ नेता विधायकों की राय जानकर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। विधायकों के साथ बैठक के बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि गुजरात में कांग्रेस के एक उम्मीदवार का नाम वापस लिया जाए या मैदान में डटा रहा जाए। निर्भया के दोषियों को फांसी पर चढ़ाने की तिहाड़ जेल प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। निर्भया के दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए मेरठ जेल से खास तौर पर पवन जल्लाद को तिहाड़ बुलाया गया है। पवन जल्लाद आज शाम ही तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। 20 तारीख को चारों दोषियों को फांसी देने से पहले 18 और 19 मार्च को डमी फांसी होगी। पिछले कई दिनों से कर्नाटक के बेंगलुरु में रुके हुए कांग्रेस के बागी विधायकों ने आज मंगलवार को मीडिया से बात की। बागी विधायकों का कहना है कि हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। हालांकि विधायकों का ये भी कहना है कि अभी उन्होंने BJP में जाने का फैसला नहीं लिया है, लेकिन वे इस पर विचार करने के बाद जल्द ही फैसला लेंगे। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV। धन्यवाद।
Admission open for session 2020-21. Sri Guru Harkishan Senior Secondary School, Raipur, affiliated to CBSE. Nursery to 10 plus 2, Arts, Commerce, Medical, Non-Medical, Pollution-Free Environment, Well-Equipped Science and Computer Labs, Smart Class Teaching, Gurmat Classes, Spacious Playground, Well-Qualified and Experienced Staff, Timely Counseling by Certified Counselor, Transport Facility Available. Contact for more details, Sri Guru Harkishan Senior Secondary School, Raipur, Seed Road, Bahadurgarh, Patiala. Email or website.